बस मैं पूरे साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पर बैठे पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर हाँ इस वेले के कुछ वड्डे ते खास अपडेट लैके हुण दे अपडेट्स की लड़ी दे विच। दोस्तों वड्डी खबर यूपी लखीमपुर खीरी तो आई है, जिथे कि कुछ दिन पहला ही एक भाजपा के विधायक के पुत्र वल्लों किसानां ते जो कि अपने विरोध शांतिमई विरोध तो बाद घरां नूं वापस जा रहे सन, उन्हां ते अपनियां गड्डियां चढ़ा दित्तियां गईयां सन, जिथे कि अनेक किसान शहीद होए सन अते अनेक ही किसान गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गए सन। ते दोस्तों हुण खबरां सामने आईयां ने जिथे कि इसे हादसे दे विच शहीद होए गुरविंदर सिंह दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। उत्थे ही दोस्तों उन्हां दे परिवार की हालत, उन्हां दी माता अते भैण दी हालत काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जो कि इस हादसे तो बाद हाले तक भी संभल नहीं सकिया ने। ते दोस्तों इन्ना वड्डा हादसा है कि हर एक नूं इस हादसे ने हिला के रख दिता है, ते उन्हां दे परिवार जिन्हां दा कि इकलौता चिराग सी उन्हां ते की बीत रही होवेगी इस दा अंदाजा शायद आपां नहीं लगा सकदे कि किन्ना वड्डा दुख उन्हां दे उप्पर, किन्ना वड्डा कहर बन के इस वेले जो भाजपा दे मंत्री दे पुत वल्लों सत्ता दे नशे दे विच अन्ने हो के किसानां दे उप्पर गड्डी चढ़ाई गई है, उस करके उन्हां नूं किन्ना वड्डा दुख मिलिया है। ते दोस्तों उत्थे एक होर खबर भी सामने आई है कि जो भाजपा दा इह मंत्री है उसदे पुत ते पुलिस वल्लों कार्रवाई करदे होए उसदा नाम परचे दे विच दर्ज कर लिया गया, जो कि मेन आरोपी दे तौर ते उसदा नाम परचे दे विच दर्ज किया गया, जो कि किसानां दे विरोध नूं अते हर एक जो वर्ग है उस दे विरोध नूं देखदे होए पुलिस अते प्रशासन झुक गया अते मंत्री दे पुत दे उप्पर वड्डी कार्रवाई की गई है। ते नाल ही दोस्तों कुछ होर भी खबरां सामने आईयां ने, जिवें कि आपां वी तुहानूं खबर दित्ती सी कि एक पत्रकार की भी इस घटना के दौरान मौत हो गई सी, जिस दे एक नज़दीकी रिश्तेदार ने दस्सिया कि कुछ गोदी मीडिया वाले उन्हां दे घर आए, जो कि अपने शब्द उन्हां दे मूँह दे विच पा के ये कहाउणा चाहुंदे सन कि जो घटना भी हुई है, जो पत्रकार की मौत हुई है, वह किसानां दे करके हुई है। ते उन्हां दे भरा ने एक वड्डा खुलासा किया मीडिया के सामने आ कि किस तरह गोदी मीडिया वाले उन्हां तों अपने शब्द बुलवा के ये खबर चलाना चाहुंदे सन, क्योंकि दोस्तों सारे जानते ने कि जदों यह घटना हुई है यूपी दे विच गोदी मीडिया ने किसी ने भी नैशनल चैनल पर यह खबर नहीं दिखाई कि किसानों के उपर किस तरह का तसद्दद, एक अणमनुखी तसद्दद बीजेपी के मंत्री के पुत वल्लों किया गया। पर जिवें ही यह खबर सामने आई हैं कि इस घटना के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई है, उस ही समय इन नैशनल चैनल्स जिन्हों कि गोदी मीडिया कह के बुलाया जाता है उन्होंने वालों ये खबर दिखाई जा लगियां, जिस तो तुम सहज ही अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों हुण तुहानूं लै चलदे आ कुछ खास वीडियोज़ वल। बाकी जेकर तुसी भी किसानां दे हक दे विचो तां तुसी चाहुंदे हो कि इस घटना दा इंसाफ मिले, तां तुसी हैशटैग जस्टिस फॉर लखीमपुर कमेंट कर सकते हो। तो होर ताज़ा खबरों के लिए बने रहो लिमिटेड ज्ञान दे नाल। नवे दोस्त चैनल नूं सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ऑल ते जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि हर एक ताज़ा खबर तुहाडे तक पहुँचे सब तो पहला। तो नाल ही जिहड़े दोस्त हरचरण सिंह की अपडेट की वेट कर रहे हैं, दस दिए कि जिवें तुहानूं पता ही है कि यूपी दे विच काफ़ी ऑपरेटर्स वल्लों नैटवर्क बंद किया गया, इस करके साड़ी गलबात लाइव नहीं हुई, बहुत जल्द तुहाडे तक अपडेट सांझे किए जाएंगे, क्योंकि असी जो भी खबर तुहाडे तक लैके आने वेरीफाइड परसन के नाल गलबात करके ही तुहाडे सामने रखते हैं, तो सच्ची ते सटीक जानकारी तुहानू प्रोवाइड कराने। सो तुसी बने रहो जल्द बड़े खुलासे, तो वकील साहब वालों भी कुछ खास गलबात इस ही जो केस है उस बारे तुहाडे सामने रखी जाएगी। सो तुसी चैनल्स दे नाल बने रहना। तो हुण तुहानू लै चलदे आ यूपी लखीमपुर खीरी दीआं इन्हां कुछ खास वीडियोज़ वल। आज एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या क्या उस बारे में बताएंगे, क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुँह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है या
तो गाड़ी तो थी थार थी, विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो? वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोर्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारपोल था वो भी उनके हाथ में लगा था। ठीक है, तो मैं कैसे मान लूं कि लाठी डंडों से हुआ है? अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वो ऐसे? एक व्हाट्सएप ग्रुप था उनका, कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी। ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहां से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए ऐसी पोजिशन में, हम लोग आप पानी पीजिए और ब्याज चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते। इतना बता दो बस, मैं पूरे साथ में लिखा पढ़ी का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। होगी गाड़ी थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी थार क्यों ना? आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं का। इतना बता दो बस, मैं पूरे साथ में लिखा पढ़ी का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही होगी गाड़ी थार भी? तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी थार क्यों ना? आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो?